अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आज की वीडियो में आपके साथ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर का जो फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का पेपर हुआ है वो कंप्लीट शेयर करूंगा। इसकी एमसीक्यूज भी जो है वो आपको कनेक्ट ऑप्शन बताए जाएंगे। इस पीडीएफ लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला एमसीक्यूज है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एल टू कैपिटल एम टी माइनस वन। हाउ मैनी मीटर्स विल अ 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9.8 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन गोज टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस द हिज वेट रिलेटिव टू डेट ऑन द अर्थ वुड बी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन मिचेलसन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज टू ऑब्टेन डिस्पर्शन फेस कोहेरेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट अनपोलराइज्ड लाइट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फेस कोहेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आई मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल्स टू जीरो, आई मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल्स टू के, जे मल्टीप्लाई बाय ए आई इक्वल्स टू के, आई मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल्स टू माइनस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आई मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल्स टू के। अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर हैज टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड इज टी अपॉन 6। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज एफ इक्वल्स टू 1/2L एफ अपॉन म्यू, यूनिट ऑफ म्यू इज इन द स्पेसशिप आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय इब्नुल हैशम, किताबुल कानून अल मसूदी अल शिफा किताबुल मनाजिर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किताबुल मनाजिर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^2 इज 2। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अ फ्रिक्शन लेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30° विल बी 4.9 m/s². फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इंक्रीजेज इनडेफिनेटली विद द एक्सटर्नल फोर्स, इट डज नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली विद द एक्सटर्नल फोर्स, रिमेन्स कॉन्स्टेंट नन एज अ रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When the angular velocity of a disc increases,
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर डैश. द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है पाई अपॉन 30 रेडियंस, लेकिन यहाँ पर पाई अपॉन 30 कोई भी नहीं है तो इस वजह से नन आएगा. द क्लॉक वाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क. इफ वन मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाउ मेनी. How much height does a freely falling body of mass 10 kg lose in 2 seconds? Dimension of kinetic energy is ml2 to the power 2. If two tuning forks of frequencies 256 Hz and 260 Hz are sounded together, the number of beats per second will be which depends upon frequency. In Newton's ring, the central spot is always dark. तो ये इसके MCQs थे जो हम लोगों ने देखे. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन आंसर्स में देख लें, आपको पहले एक पार्ट दिया गया है. यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो इसमें पहले आपको डायमेंशनली करेक्ट करना है. ये वाले सवालात हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट भी करनी है और एक्सप्लेनेशन भी देनी है उसकी. इसी तरीके से ये आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना है दो रिजल्टेंट का और एंगल भी मालूम करना है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है ए सी इज इक्वल टू 4 pi square आर अपॉन टी स्क्वायर. फिर ब्रैग्स लॉ क्या होती है फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल कंडीशन. अच्छा, प्रूव डेट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड. इसका जो पार्ट बी है वो यहाँ पर है. इसमें आपको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का जो है एक फॉर्मूला गिवन है जिसको आपने सॉल्व करना है. और उसके अलावा आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी जबकि ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस. इसी तरीके से आपको रेडियस ऑफ मून पर एक सवाल भी गिवन है. और सेक्शन सी में आपके पास जो है वो इलास्टिक क्लूजन गिवन है. उसके अलावा टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2 यानी इलास्टिक क्लूजन वाला सवाल आपके लिए इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैग्नीफाइंग ग्लास और उसका सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन. इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसकी मैग्नीफिकेशन. इसके अलावा एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है. एंगुलर मोमेंटम उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी जो लॉ है उसको आपने डिफाइन भी करना है और स्टेटमेंट भी देनी है. इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसका आपने प्रूफ देना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी. स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं डिस्कस द वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग व्हेन इट वाइब्रेट्स इन वन लूप टू लूप थ्री लूप. तो ये तमाम जो सवालात हैं ये अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के फाइनल के जो पेपर हुए उसमें आए हैं. तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.